राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत गोविंदपुर में दो दिन पूर्व रात्रि में गोली मारकर सूरज कुमार की हत्या के विरोध में मृतक के परिजन और गोविंदपुर के सैकड़ों लोग शनिवार की सुबह से फुलवारी थाना गोलंबर को जाम कर दिया। शहीद भगत सिंह चौक पर जगह जगह पर आगजनी करते हुए फुलवारी शरीफ जानीपुर एम्स मार्ग नेशनल हाईवे 98 फुलवारी शरीफ कगौल मार्ग व फुलवारी शरीफ पटना मार्ग को पूरी तरह जाम कर उग्र प्रदर्शन करने लगे। इतना ही नहीं, मृतक के परिजन और प्रदर्शनकारियों ने फुलवारी शरीफ थाना गेट पर घिराव कर हत्या के विरोध में गिरफ्तार पिता पुत्र को अपने हवाले करने की मांग करने लगे। करीब एक घंटा बाद शहीद भगत सिंह चौक पर जाम के चलते आवागमन ठप रहा। इस जाम में पटना एम्स में आने जाने वाले मरीजों और उनके परिवारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं के हाथ में लाठी डंडा और बांस बल्ला था। प्रदर्शन करने वाले पुलिस की गाड़ियों को देखकर उस पर हमला बोल रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिस ने सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाना चाहा, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था। इसके बाद थाना अध्यक्ष दल बल के साथ सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठी बांध कर खदेड़ दिया। इस दौरान फुलवारी शरीफ थाना में अपनी ड्यूटी बजाने पहुँचे पुलिसकर्मी बाइक सवार को लोगों ने हमला कर दिया, जिससे वह जान बचाकर भागा। प्रदर्शन करने वाले परिजनों और समर्थकों का कहना था कि पुलिस ने हत्या में गिरफ्तार पिता पुत्र को जेल क्यों नहीं भेजा और उसके परिवार को पुलिस ने सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराया है। मृतक के परिजन इस बात से भी नाराज थे। हालांकि पुलिस का कहना था कि पुलिस छानबीन के बाद पिता पुत्र को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजन के आक्रोश को देखते हुए हत्याकांड में गिरफ्तार पिता पुत्र के परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। बता दें कि इससे एक दिन पहले मृतक के आक्रोशित परिजन हत्याकांड में गिरफ्तार पिता पुत्र को घर को आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद एहतियात वहाँ पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।